आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। विदेशी बाजारों में तेजी के बावजूद घरेलू मंडियों में सरसों की आवक बढ़ने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों तेल तिलहन की कीमतों में गिरावट आई और इसके साथ सरसों डीगम के भाव भी हानि के साथ बंद होते नजर आए थे। सूत्रों ने बताया कि मलेशिया एक्सचेंज में 2.5% की तेजी देखने को मिली थी, जबकि शिकागो एक्सचेंज में बहुत ही मामूली तेजी थी। सूत्रों का कहना है कि शनिवार को मंडियों में सरसों की आवक 7 लाख बोरी की रही थी, जो सोमवार को बढ़कर 9 लाख बोरी हो गई। सरसों की नई फसल की आवक बढ़ने से सरसों तिलहन के दाम में गिरावट आई, जबकि सरसों तेल के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। सामान्य कारोबार के बीच मूंगफली तेल तिलहन, सोयाबीन तिलहन, सोयाबीन तेल दिल्ली एवं इंदौर तथा कच्चे पाम तेल के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। विदेशों में तेजी के बीच पामोलिन तेल, बिनौला तेल की कीमतों में सुधार रहा। Market Times TV। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।